राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ अभी बनी हुई प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू चलते हुए पूर्व राष्ट्रपति इन्हें कुछ समझाते हुए ये उन्हें ये राष्ट्रपति भवन है ये राष्ट्रपति भवन में उन्हें बैठने के लिए कह रहे हैं। यह उनका फोटोशूट हो रहा है। हमारे देश के लिए एक आदिवासी महिला का राष्ट्रपति होना बहुत ही अहम बात है। राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति भवन में आके अपना पदभार संभालते हुए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू फोटो सेशन अभी भी चालू है। ये राष्ट्रपति भवन से जहां श्री रामनाथ कोविंद जी का समारोह है विदाई का समारोह विदाई के समारोह में जाते हुए यहाँ पे जो अभी नई राष्ट्रपति बनी है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू उनके स्वागत के लिए श्री नरेंद्र मोदी का आगमन होते हुए नरेंद्र मोदी की गाड़ी आगे चलते हुए या उनके गार्ड नीचे उतरते हुए नरेंद्र मोदी जी का आगमन पेंडोल में प्रस्थान करते हुए अभी थोड़ी देर बाद श्रीमती द्रौपदी जी मुर्मू का भी यहाँ पे आगमन होगा। यह पेंडोल में प्रस्थान करने के लिए राष्ट्रपति भवन से प्रस्थान करते हुए ये गाड़ी मर्सिडीज बेंज है। आप देख सकते हैं कितनी शानदार गाड़ी है। राष्ट्रपति को ऐसी दो गाड़ियां मिलती है अपने कार्यकाल के दौरान और एक बंगलो भी मिलता है और बंगलो के साथ साथ 86 गार्ड भी मिलते हैं। राष्ट्रपति भवन से प्रस्थान करते हुए प्रेसिडेंट गाड़ी से नीचे उतरते हुए
पे नई प्रेसिडेंट को गार्ड ऑफ ऑनर मिलेगा। प्रेसिडेंट ये तीनों दलों की सेना, स्थल, वायु, जल तीनों दलों की प्रेसिडेंट होती है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तीनों दलों का निरीक्षण करते हुए ये तीनों दलों का निरीक्षण जब राष्ट्रपति बनते हैं उसके दौरान भी होता है और जब राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होता है तब उस दौरान भी तीनों सेनाओं का निरीक्षण होता है। द्रौपदी जी मुर्मू के साथ बैठी हुई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की पत्नी निरीक्षण संपन्न होता हुआ दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट, पूर्व राष्ट्रपति नीचे उतरते हुए पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद सबसे विदा लेते हुए श्री रामनाथ कोविंद सबसे प्रणाम लेते हुए वाइस प्रेसिडेंट उनसे हाथ मिलाते हुए प्राइम मिनिस्टर से भी अलविदा लेते हुए ताकि भविष्य में भी ये रिश्ते ऐसे ही बरकरार रहे। यहाँ पे आए हुए लोग, आमंत्रित लोग सबको टाटा बाय बाय करते हुए उनके पीछे पीछे माननीय द्रौपदी मुर्मू जी फिर से नरेंद्र मोदी के साथ बात करते हुए राष्ट्रपति ये एक ऐसा पद होता है इनका निर्वाचन जो है वो एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। इनको
इलेक्शन में खड़े रहने के लिए डिपॉजिट मनी जो है इनकी 15,000 रुपये होती है और इनको पेमेंट 5,00,000 रुपये का मासिक वेतन भी मिलता है। ये गाड़ी में बैठ के यहाँ से प्रस्थान करते हुए ये यहाँ से विदा ले रहे हैं। राष्ट्रपति की विदाई एक खास तौर से होती है, भारतीय रिवाजों के अनुसार होती है। ये मर्सिडीज बेंज है, बहुत ही लाजवाब कार है। ये कार कुछ खास गिने चुने लोगों के ही पास होती है। घोड़ों के साथ सैनिक विदाई देते हुए एकदम ट्रेडिशनल लुक हमें दिख रहा है। अगर गाड़ी की जगह अगर वो घोड़ा गाड़ी अगर होती तो शायद एक अलग ही मज़ा आता। ऐसे लग रहा कि राजा के साथ उसके सैनिक जा रहे हैं। लेकिन एक बात कही जाए तो सच में अगर वहाँ पे अगर रथ होता, रथ, घोड़ों का रथ, तो कुछ और ही अलग मज़ा आता। ये सैनिक जाएंगे, उनको राष्ट्रपति भवन से पूरा रायसीना हिल्स के गेट तक, वहाँ तक इनको छोड़ देंगे। ये आप देख सकते हैं पूरा नज़ारा ऐसा लग रहा है कि किसी राजा का आगमन हो रहा हो या किसी लड़ाई पे जा रहे हो। ये घोड़े पूरे सीखे हुए होते हैं। कब रुकना है, कब चलना है, इन घोड़ों को ट्रेनिंग दी जाती है। ये गेट से बाहर निकलते हुए राष्ट्रपति जी का काफिला और ये बाहर तैनात उनके बाइक सवार ये राष्ट्रपति जी को कवर देंगे और ये आगे निकलते हुए जैसे हम फिल्मों में देखते हैं उसी तरह का ये नज़ारा है। यहाँ पे सिक्योरिटी का खास ध्यान रखा जाता है। ये देख सकते हैं पूरा रायसीना हिल से दिल्ली में ये जो रायसीना हिल्स है ये अरावली पहाड़ की एक सबटेटरी बोल सकते हैं अपन। अरावली हिल्स की अपन आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी, उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी, चीफ जस्टिस एन बी रमन्ना जी, सम्मानित सांसदगण, अन्य महानुभवों, देवियों और स्वजनों तथा मेरे प्यारे देशवासियों, सभी का जोहार। भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर निर्वाचित करने के लिए मैं सभी सांसदों और सभी विधानसभा सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आपका मत
देश के करोड़ों नागरिकों के विश्वास की अभिव्यक्ति है। मैं भारत के समस्त नागरिकों की आशा आकांक्षा और अधिकारों के प्रतीक इस पवित्र संसद से सभी देशवासियों का पूरी विनम्रता से अभिनंदन करता हूं। आपकी आत्मीयता, आपका विश्वास और आपका सहयोग मेरे लिए इस नए दायित्व का निभाने में मेरी बहुत बड़ी ताकत रही। मुझे राष्ट्रपति के रूप में देश ने एक ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में चुना है जो हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज से कुछ दिन बाद ही देश अपनी स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरी करेगा। ये भी एक संयोग है कि जब देश अपनी आज़ादी के 50वें वर्ष का पर्व मना रहा था तभी मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी और आज आज़ादी के 75वें वर्ष में मुझे ये नया दायित्व मिला है। इस ऐतिहासिक समय में जब भारत अगले 25 वर्षों के विजन को हासिल करने के लिए पूरी ऊर्जा से जुटा हुआ है, मुझे ये जिम्मेदारी मिलना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं देश की ऐसी पहली राष्ट्रपति भी हूँ जिसका जन्म आज़ाद भारत में हुआ है। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने आज़ाद हिंदुस्तान के हम नागरिकों से जो अपेक्षाएं की थी उनकी पूर्ति के लिए इस अमृत काल में हमें तेज गति से काम करना होगा। इन 25 वर्षों में अमृत काल की सिद्धि का रास्ता दो पटरी पर आगे बढ़ेगा, सबका प्रयास और सबका कर्तव्य। भारत के उज्जवल भविष्य की नई विकास यात्रा हमें सबके प्रयास से करनी है, कर्तव्य पथ पर चलते हुए करनी ही है। Shutterstock Music. मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूँगी तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की पत्नी पुष्पगुच्छ देकर द्रौपदी मुर्मू जी का स्वागत करते हुए रामनाथ कोविंद जी अब सभी सांसदों से विदाई लेंगे।
सबसे विदाई लेते हुए सोनिया गांधी जी, ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उनके साथ बीजेपी के और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सबसे विदा लेते हुए